जय जय श्री राधे। प्रिय साधकों, इस महत्वपूर्ण आध्यात्मिक लेख को हिंदी में पढ़ने के लिए आप वेबसाइट www.divyagyans.com पर भी जा सकते हैं। स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, यह जीवात्मा परमात्मा का साक्षात अंश है। अतः जैसे परमात्मा सत्य संकल्प हैं, ऐसे ही यह जीवात्मा भी एक अंश में सत्य संकल्प है। जब जीवात्मा अपने में राग द्वेष आदि दोषों की मान्यता कर लेता है, तब इसमें वे दोष दिखने लग जाते हैं, नहीं तो वे दोष इसमें हैं नहीं। राग द्वेष, हर्ष शोक, काम क्रोध, लोभ मोह, मद मत्सर्य आदि जितने भी दोष हैं, उनमें से कोई सा भी दोष जीवात्मा में नहीं है। अगर इसमें दोष होते तो इसको चेतन अमल सहज सुख राशि क्यों कहते, नहीं कहते। जितने भी विकार हैं, वे सब प्रकृति के गुणों में ही रहते हैं, परंतु जीवात्मा गुणों से रहित है। गीता जी 13:31 में आता है, निर्गुणत्वात्। प्रकृति के गुणों में ही सात्विक, राजस और तामस वृत्तियां रहती हैं, जिनका वर्णन गीता जी के 14वें अध्याय में आया है। स्वयं में वृत्तियां नहीं रहती। अगर यह बात ठीक अनुभव में आ जाए तो मनुष्य तत्काल जीवन मुक्त हो जाए। तत्काल जीवन मुक्त क्यों हो जाए कि वास्तव में यह जीवन मुक्त ही है। मुक्ति स्वतः सिद्ध है और बंधन पकड़ा हुआ है, कृत्रिम है। बंधन न होते हुए भी जीव ने बंधन को स्वीकार कर लिया है, जीव ने ही असत को धारण कर रखा है। गीता जी 7:5 में आता है, यह एदम धार्यते जगत। अगर जीव असत को धारण अर्थात स्वीकार न करे तो असत में रहने की ताकत ही नहीं है। प्रिय साधकों, असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत वस्तु का अभाव नहीं है। गीता जी 2:16 में आता है, न सतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सतः। जिसकी सत्ता है ही नहीं, उसकी प्राप्ति कैसे होगी। असत की प्राप्ति और सत की अप्राप्ति असंभव है, परंतु सत स्वरूप स्वयं ने असत को सत मान लिया, जिससे असत की सत्ता दिखने लग गई। अतः केवल मानने से ही असत को सत्ता मिली है और न मानने से वह मिट जाएगी। काम क्रोध लोभ मोह आदि विकार हमारे में नहीं है, ये प्रकृति में है। अगर हम प्रकृति को स्वीकार न करें तो ये प्रकृति में भी नहीं है। प्रकृति को स्वीकार करते ही ये विकार प्रकृति में पैदा हो जाते हैं। जिस स्थान पर कोई मनुष्य नहीं जाता, वह स्थान जंगल आदि बड़ा शुद्ध होता है, और जिस स्थान पर मनुष्य रहते हैं वहाँ अशुद्धि फैल जाती है, कारण कि मनुष्य ही अपने संबंध से उसको अशुद्ध करता है। असत वस्तु को अपनी मानते ही वह अशुद्ध हो जाती है, और उसको अपना मानना छोड़ते ही सब अशुद्धि मिट जाती है। रामचरितमानस में आता है, ममता मल जर जाए। प्रसादकों, जब मनुष्य जड़ता में अपनापन कर लेता है, तब वह जड़ता ही उसको दबा लेती है। जैसे बादल सूर्य से पैदा होते हैं और सूर्य को ही ढक देते हैं, ऐसे ही दोष आपसे पैदा होते हैं और आपको ही ढक देते हैं। अगर आप इनको पैदा न करें तो आप स्वतः स्वाभाविक मुक्त हैं। इसीलिए ज्ञान होने पर फिर मोह नहीं होता। गीता जी 4:35 में आता है, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवम यास्यसि पांडव। क्योंकि वास्तव में मोह है ही नहीं, अगर मोह होता तो वह पुनः हो जाता। काम क्रोध लोभ आदि से रहित होने का उपाय है कि ये अपने में नहीं है, ऐसा दृढ़ता से मान लें। ये अपने में दिखें तो भी इनको अपने में नहीं माने, क्योंकि वास्तव में ये अपने में है नहीं, केवल भूल से माने हुए हैं। आप रहते हैं और ये नहीं रहते, यह आपका अनुभव है। अभी आप हैं, पर अभी काम है क्या, अभी क्रोध है क्या, अभी लोभ है क्या। अगर ये आप में होते तो जैसे कपड़े में रंग रहता है, कपड़ा रहता है तो रंग भी रहता है, ऐसे ही ये भी आप में सदा रहते। ये दोष सदा नहीं रहते, यह आपका अनुभव है। इससे सिद्ध हुआ कि ये दोष आगंतुक हैं, अर्थात आने जाने वाले और अनित्य हैं। गीता जी 2:14 में आया है, आगमा पायनो अनित्यः।
आप सत स्वरूप हैं, इसलिए जब आप अपने में काम क्रोध आदि की सत्ता मान लेते हैं तब वे असत होते हुए भी सत दिखने लग जाते हैं। जैसे आग में कोई भी चीज रख दें तो वह चमक उठती है, चाहे ठीकरी हो, चाहे पत्थर हो, चाहे लकड़ी हो, चाहे कोयला हो, आग में रखने पर वह चमकने लग जाता है। ऐसे ही आप जिस चीज को अपने में स्वीकार करते हैं वह आप में सत स्वरूप में दिखने लग जाती है। शरीर असत है, यह प्रतिक्षण बदलता रहता है, इतनी तेजी से बदलता है कि इसको उसी रूप में दो बार कोई देख ही नहीं सकता, क्योंकि एक क्षण पहले शरीर जैसा था दूसरे क्षण में वह वैसा नहीं रहता। केवल आपकी भावना से ही यह सत अर्थात है रूप से दिखता है। यदि यह है तो फिर यह बदलता कैसे है? एक श्रोता ने स्वामी जी से प्रश्न किया, यदि यह नहीं है तो फिर यह दिखता कैसे है? स्वामी जी बोले, आपने भावना कर ली है इसीलिए दिखता है। एक मार्मिक बात है कि यह शरीर वास्तव में शरीर को ही दिखता है, स्वयं को शरीर दिखता ही नहीं। आप ही बताएं कि क्या सुषुप्ति में शरीर दिखता है? आप इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से देखते हैं तभी यह दिखता है, नहीं तो इसमें खुद में दिखने की ताकत नहीं है। जिस धातु का शरीर है उसी धातु के नेत्र हैं, उसी धातु का मन है, उसी धातु की बुद्धि है, उसी धातु का अहम है। अहम से रहित होकर देखें तो क्या शरीर दिखेगा? सुषुप्ति में अहम लुप्त हो जाता है तो फिर शरीर नहीं दिखता। श्रोता ने पुनः प्रश्न किया, सुषुप्ति में तो अज्ञान छाया रहता है। स्वामी जी बोले, जब अज्ञान में भी इतनी सामर्थ्य है कि शरीर दिखना बंद हो जाता है तो क्या ज्ञान में अज्ञान जितनी भी सामर्थ्य नहीं है? जब साधक निर्मम निराहंकार हो जाता है, उसके अज्ञान का नाश हो जाता है, तब शरीर की सत्ता नहीं दिखती, क्योंकि शरीर में सामर्थ्य नहीं है दिखने की। साधक ने प्रश्न किया, ज्ञान होने पर शरीर संसार कैसे दिखते हैं? स्वामी जी बोले, शरीर संसार ऊपर से तो वैसे ही दिखते हैं, पर उनमें अस्तित्व बुद्धि मिट जाती है। जैसे दर्पण में मुख दिखने पर भी उसमें अस्तित्व बुद्धि नहीं होती। ज्ञानी महापुरुष को शरीर संसार जली हुई मूज की रस्सी की तरह अथवा तपे हुए लोहे पर चिपके कागज की तरह दिखते हैं। जली हुई रस्सी दिखती तो है पर वह बांध नहीं सकती, हाथ लगाते ही वह बिखर जाती है। ऐसे ही तपे हुए लोहे पर चिपके कागज के अक्षर पढ़े तो जा सकते हैं पर उसको उठाया नहीं जा सकता। ज्ञानी की दृष्टि में अंतःकरण सहित संसार की स्वतंत्र सत्ता का अत्यंत अभाव हो जाता है और परमात्म तत्व की सत्ता का भाव नित्य निरंतर जागृत रहता है। जैसे गैस बत्ती के मेंटल में आग लगाते ही वह जल जाता है, पर उस जले हुए मेंटल से विशेष प्रकाश होता है। ऐसे ही ज्ञानी के जले हुए अर्थात सत्ता रहित अंतःकरण में ज्ञान का विशेष प्रकाश होता है। उसके आचरणों में, वचनों में विलक्षणता आ जाती है। उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक मर्यादित व्यवहार होता है, जो सबके लिए आदर्श होता है और सबका हित करने वाला होता है। आप विचार करें, अगर ज्ञान होने से मुक्ति हो जाती है तो इससे सिद्ध होता है कि मुक्ति स्वतः सिद्ध है, केवल उसका अनुभव हुआ है। ज्ञान होने से मुक्ति पैदा नहीं होती, मुक्ति तो सदा ज्यों की त्यों है, पर उसकी तरफ दृष्टि न रहने से उसका अनुभव नहीं होता था। उसकी तरफ दृष्टि होने से अर्थात ज्ञान होने से उसका अनुभव हो जाता है। अतः जिस तत्व की प्राप्ति ज्ञान से होती है वह तत्व पहले से ही विद्यमान होता है। अज्ञान अवस्था में भी स्वरूप ज्यों का त्यों ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जाने या न जाने, माने या न माने, स्वीकार करें या न करें, वह तो रहता ही है। उसकी तरफ दृष्टि डालने से ही उसका अनुभव हो जाता है। रामचरितमानस 1:58:4 में आता है, शंकर सहज स्वरूप समहारा, लाग समाधि अखंड अपारा। ज्ञान होने पर तत्व में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, फर्क उस बुद्धि में पड़ता है जिसमें अज्ञान है। अगर बुद्धि से आपका संबंध ही न रहे तो फिर बुद्धि में अज्ञान रहे चाहे न रहे उससे आपको क्या मतलब? बुद्धि से आपका संबंध
वास्तव में है नहीं, आपने ही उसके साथ संबंध मान रखा है। श्रोता ने पुनः प्रश्न किया, क्या मुक्ति स्वाभाविक है? स्वामी जी बोले, हाँ मुक्ति स्वाभाविक है, परंतु यदि आप बंधन को दृढ़ करेंगे तो फिर मुक्ति स्वाभाविक कैसे होगी? बंधन स्वाभाविक नष्ट नहीं होता, क्योंकि आप स्वयं सत्य संकल्प हैं। अतः जब आप बंधन को पकड़ते हैं तब वह बंधन भी सत्य की तरह दृढ़ हो जाता है। साधकों ने पुनः प्रश्न किया, साधन करने से क्या है बंधन नष्ट हो जाएगा? स्वामी जी बोले, साधन कर्ण सापेक्ष भी होता है और कर्ण निरपेक्ष भी। मैंने अभी जो कर्ण निरपेक्ष साधन बताया है उसके समान श्रेष्ठ कोई साधन है ही नहीं, हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं। दूसरे जितने भी कर्ण सापेक्ष साधन करोगे वे सब प्रकृति की सहायता से ही करोगे, उनमें असत का अर्थात मन बुद्धि आदि का आश्रय लेना ही पड़ेगा। जिनके द्वारा साधन करोगे उन मन बुद्धि आदि का त्याग कैसे कर सकोगे? उनके साथ अपना संबंध न मानना कर्ण निरपेक्ष साधन है, जिससे बंधन तत्काल नष्ट हो जाता है। निर्विकार स्वरूप ज्यों का त्यों विद्यमान था और विद्यमान रहेगा, केवल उसकी तरफ दृष्टि न रहने से वह विद्यमान अर्थात प्राप्त होता हुआ भी अप्राप्त की तरह दिख रहा है। उसकी तरफ दृष्टि न जाने का कारण है असत अर्थात उत्पत्ति विनाशशील वस्तु को महत्व देना। जितने भी विकार हैं वे सब असत वस्तु को महत्व देने से ही पैदा होते हैं। वास्तव में असत वस्तु का कोई महत्व है ही नहीं, जो क्षण भर के लिए भी टिके नहीं उसका महत्व कैसा? केवल अविचार से ही उसका महत्व प्रतीत होता है। अगर साधक विचार के द्वारा असत में महत्व बुद्धि को मिटा दे तो निर्विकार स्वरूप में स्वतः स्थिति का अनुभव हो जाएगा। प्यारे भक्तों, दुर्लभ ज्ञान से परिपूर्ण इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हुए अब आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक बोलिए, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे राधे।